नमस्कार, हमारा हिमाचल में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। पठानकोट हमले के बाद मार्च में होने वाले भारत पाकिस्तान के बीच T20 मैच का विरोध देश भर में जारी है और अब हिमाचल के सियासी गलियारों में भी इसका विरोध शुरू हो गया है। भारत पाकिस्तान के बीच मार्च में T20 मैच होना तय हुआ है, लेकिन पठानकोट हमले के बाद देश में इस मैच का विरोध होता दिखाई दे रहा है और अब ये विरोध हिमाचल की वादियों में भी दिखाई देने लगा है। इसे लेकर सियासी सरगर्मियां भी तेज होने लगी हैं। कैबिनेट मंत्री जीएस बाली के विरोध के बाद अब बीजेपी में भी इसका खुलकर विरोध हो रहा है। पार्टी के सांसद शांता कुमार ने इसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख के साथ जोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी जी बिना कार्यक्रम के पाकिस्तान बधाई देने के लिए गए, इसके बाद पठानकोट की घटना हुई और बातचीत जो हम करना चाहते थे वो भी स्थगित कर दी गई है। जब भारत और पाकिस्तान की बातचीत स्थगित कर दी गई है तो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ मैच का कोई मतलब नहीं है। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री ने इशारों में विरोध करते हुए कहा कि BCCI को सोचना चाहिए इस माहौल में मैच हो या नहीं। ये सबको तो क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसको उसने देखना है कि क्या ये सुरक्षा की दृष्टि से ये सही है या नहीं है, इसके फैसला तो उन्होंने देना है। पठानकोट हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले T20 मैच का विरोध तेज हो गया है और अब ये मामला सियासी गलियारों में भी गूंजने लगा है। हिमाचल कांग्रेस पहले से ही HPCA का विरोध करती देखी गई है, लेकिन अब बीजेपी नेता भी सीरीज के विरोध के चलते इशारों में HPCA पर भी हमला करते दिख रहे हैं। गोपालपुरी, जी मीडिया, धर्मशाला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मोहित प्रेम शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, तो भारत पाक के बीच T20 मैच को लेकर लगातार विरोध हो रहा था, कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही थी और अब बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं समर्थन देना शुरू कर दिया है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि मोनिका जो ये अटैक हुआ है लगातार, जो पंजाब में पठानकोट में अटैक हुआ, उससे पहले गुरदासपुर में अटैक हुआ और इस बीच जो है वो मैच की चर्चाएं हुई और हिमाचल के धर्मशाला में ये मैच जो है वो आयोजित होना है, तो यहाँ पर जो विरोध है हिमाचल में अगर बात कर ली जाए तो पहले से ही शुरू हो चुका था। जो कैबिनेट मंत्री है जीएस बाली, उन्होंने कुछ दिन पहले ही बयान दिया था और यही कहा था जो कल मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा, यानी कि बीसीसीआई को सोच लेना चाहिए कि ये मैच करवाना है या नहीं करवाना है। हालांकि उन्होंने पूरी तरह से विरोध नहीं किया था इसका, लेकिन ये कहा था कि अगर मैच करवाया जाता है तो जो मैच से इकट्ठे होने वाली रकम है वो शहीद के परिवार, जो गुरदासपुर में शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को वो जो रकम जो है वो दी जाए। तो इसी तरीके से अब एक बार फिर से विरोध के स्वर जो है, जिस तरह से मैच की तारीख नजदीक आती जा रही, तो ये अब राजनीतिक मुद्दा जो है वो केंद्रीय जो रुख इसने अख्तियार कर लिया है, यानी केंद्र में भी इसमें राजनीति जो है वो शुरू हो गई है हिमाचल से बाहर निकल के। और अभी ताजा बयान जो है मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दिया फिर से वही कि बीसीसीआई को इस पर गौर कर लेना चाहिए, यानी सोच लेना चाहिए कि मैच करवाना है कि नहीं करवाना है, क्योंकि देश के लोगों की भावना से जुड़ी ये बातें हैं। एक तरफ आतंकी हमला होता है और दूसरी तरफ जो है ये पाकिस्तान के साथ मैच करवाना जो है उसकी तारीख नजदीक आ रही है, तो कुल मिलाकर के अब इस मामले पर राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, राजनीति कहीं ना कहीं गर्मा रही है। मोहित, क्या HPCA की तरफ से कोई रिएक्शन फिलहाल आया है? देखिए HPCA की तरफ से इस बाबत कोई अभी रिएक्शन जो है वो नहीं आया है और अब जो है माना जा रहा है कि जिस तरह से HPCA के जो है, क्योंकि BCCI पर ये गेंद जो है वो डाल दी गई है उसके पाले में, BCCI विचार करे, तो अब कहीं ना कहीं HPCA का रिएक्शन इस बाबत जो है वो जरूर आ सकता है कि क्या BCCI के पदाधिकारियों से बात की जाए, क्योंकि HPCA के अध्यक्ष जो है अनुराग ठाकुर वो BCCI में भी सदस्य जो है उसमें पदाधिकारी हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जरूर रिएक्शन जो है वो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन या फिर BCCI की तरफ से आज आ सकता है इस बाबत। बिल्कुल, सियासी रिएक्शंस तो मिल ही रहे हैं मोहित, इस बीच जनता क्या कुछ सोच रही है, क्या जनता के भी रिएक्शंस कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर विरोध के स्वर जो है वो निश्चित रूप से जो है वो जनता, आम जनता जो है उसमें भी जो मोनिका दिखाई दे रहे हैं, यानी जनता का ये कहना है कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं, लेकिन कई क्रिकेट प्रेमी हैं जो ये भी चाहते हैं कि ये मैच हो, क्योंकि
लोगों को ये कहना है कि मैच से जो है वो इस तरह का दोस्ताना हो सकता आगे बढ़े, लेकिन अगर पीछे का इतिहास देखा जाए तो ऐसा लगता नहीं है कि दोस्ताना जो है इस ऐसे मैच से जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ज्यादातर जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि ये जो मैच है ये नहीं होना तो चाहिए। भारत पाक T20 मैच को लेकर जो है लगातार विरोध हो रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि BCCI को एक बार फिर से सोचना और समझना होगा। और अब जो है बीजेपी ने भी शांता कुमार की तरफ से भी ये कहा गया है कि T20 मैच नहीं होना चाहिए और एक बार फिर से जो है BCCI को विचार करना चाहिए। मोहित आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर भी आपका अपडेट लेंगे, लेकिन इस वक्त आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के खत्म होने के बाद अब बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की वीरभद्र सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को जमकर उछालेगी। बीजेपी का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनावों में सरकार को वीरभद्र सिंह पर भ्रष्टाचार, CBI जांच शिमला में पी लिया और स्मार्ट सिटी के मुद्दों को लेकर घेरा जाएगा, यानी साफ है कि सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, जो इससे पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो केंद्रीय स्टील मंत्री थे, तब के बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें CBI द्वारा पहली बार किसी सीटिंग चीफ मिनिस्टर के घर पर रेड मारी गई, साथ ही साथ जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी छापेमारी भी की और उन्होंने भी केस दर्ज किया है। तो आम जनता के दिमाग में जो है वो ये बात तो बैठ गई है कि इसमें कुछ ना कुछ दाल में काला है, भ्रष्टाचार हुआ है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन सब मुद्दों को लेकर के जो है वो भारतीय जनता पार्टी 2017 के चुनाव मैदान में। चलिए बात अब पीलिया की करते हैं। पीलिया की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन अब सख्त हो गया है। इस बाबत मंगलवार को जिला प्रशासन ने शहर के होटल व्यवसायियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। शिमला प्रशासन ने पीलिया की रोकथाम के लिए नगर निगम और दूसरे सरकारी महकमों के साथ अब होटल व्यवसायियों को भी निर्देश जारी किए हैं। मंगलवार को एक बैठक बुलाकर IPH, स्वास्थ्य, फूड एंड सेफ्टी और नगर निगम को पीलिया को रोकने के लिए जारी सभी निर्देशों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए। ये आदेश दिए गए कि पानी जो है ट्रीटेड वाटर ही उनको सप्लाई किया जाए, दूषित वाटर नहीं सप्लाई किया जाए। शिमला के DC दिनेश मल्होत्रा ने साफ कहा कि व्यवसायियों की सुरक्षा के साथ साथ होटल में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों की सुरक्षा का भी होटल मालिकों को ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ जो स्टाफ इन होटल में तकरीबन 10-15 हजार का स्टाफ है, ये भी आदेश दिए कि उनको भी ट्रीटेड वाटर ही उनको सप्लाई किया जाए। और ये सिर्फ ये है कि एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया हुआ है, एक प्रिकॉशनरी स्टेप है कि हम अपने अपनी समाज में सुरक्षित और स्वच्छ पानी सप्लाई कर सके। शिमला में पीलिया का आंकड़ा अब 5000 के पार पहुंच चुका है, लिहाजा देर से ही सही लेकिन प्रशासन पीलिया की रोकथाम के लिए फिलहाल हर संभव कोशिश करता नजर आ रहा है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। तो एक तरफ जो होटल कारोबारी हैं उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, वहीं जिला प्रशासन ने गोलगप्पों और मोमोज जैसी खाने की चीजों पर बैन लगा दिया है। ये आदेश जिला प्रशासन ने मंगलवार को जारी किए और इस आदेश के लागू होते ही इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। अगर आप शिमला में रहते हैं और गोलगप्पे, पापड़ी और मोमोज जैसे चटपटे खाने के शौकीन हैं, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि शिमला में बढ़ते पीलिया के कहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने गोलगप्पे, पापड़ी और मोमोज जैसी खाने पीने की चीजों की बिक्री पर रोक लगा दी है जिनमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है। जिला प्रशासन के निर्देश के मुताबिक अब खुले में कोई भी खाने का सामान बेचा नहीं जा सकता। ऐसा करने वालों के खिलाफ संबंधित विभागों और एजेंसियों को कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे खाने वाले पदार्थ जो कि अनट्रीटेड वाटर में बनते हैं या सीधे कच्चे पानी से ही जिनका उपयोग होता है, जैसे कि पानी पूरी या गोलगप्पे जो है पानी का ही एक हिस्सा है, तो उस पे मोमो और ऐसा खाद्य पदार्थ जो कि अनट्रीटेड वाटर यूज करते हैं, उन पे रोक लगी हुई है और खुले में कोई भी खाद्य पदार्थ सप्लाई नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा प्रशासन ने पीलिया प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से पानी भंडारण टंकियों को साफ करने का आग्रह किया है। डीसी ने आईपीएच को पानी की आपूर्ति से पहले पानी की जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही भंडारण टैंकों पर ही पानी की नियमित रूप से क्लोरीनेशन के भी आदेश दे दिए गए हैं। आज खाद्य पदार्थ पे जो ये रोक लगाई गई है उस पे एक्शन भी हुआ है और आप देखेंगे कि शिमला में काफी जगह से 90% से ज्यादा जगह में खुले में खाद्य पदार्थ नहीं बिके। जिला प्रशासन ने विकास नगर स्थित वाटर एटीएम से लोगों को पानी निःशुल्क देने का फैसला किया है। यानी शिमला में पीला बेकाबू होने के बाद जिला प्रशासन अब नींद से जाग गया है। मोहित प्रेम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, शिमला। ऊना में डिप्रेशन से जूझ रहा एक नौजवान 4 साल बाद अपने परिवार से मिल गया है। मुंबई से लेकर ऊना तक कैसे हुआ उमेश का अपने परिवार से मिलन, देखिए खास रिपोर्ट। इतनी खुशी है कि मैं जो न मिलने वाली चीज है उसको मैं आज पा गया। उम्मीद टूट रही थी, आज छूट रही थी, बेटे का गम बढ़ता गया, लेकिन खत्म 4 साल के बाद हुआ। जी हाँ, तस्वीरों में दिख रही पिता की ये खुशी, उनकी आंखों में सुकून अपने बेटे के मिलन की कहानी खुद ब खुद बयां कर रही है। और इनकी खुशी का हिस्सा बना है ऊना का ललड़ी गांव। दरअसल यूपी के जौनपुर का रहने वाला उमेश मिश्रा 2012 से अपने घर से लापता चल रहा था। मानसिक रूप से परेशान उमेश को ढूंढने के लिए परिवार वालों ने बहुत कोशिशें की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। हार कर परिवार वालों ने आस तोड़ दी, लेकिन ऊना के एक अध्यापक और सामाजिक कार्यकर्ता ने उमेश को उसके घर वालों तक आखिरकार पहुंचा ही दिया। उसमें वो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, वो बड़ी टचिंग शब्द है, मैंने देखा मेरा भाई है। और उसके लगातार इसी वर्ड के 5 मैसेज रिपीटेड आ गए। मे बी ही वाज लिटिल इमोशनल आल्सो, फटाफट क्लिक करा कि मेरा ही भाई है। तो उसके बाद फिर मैंने इमीडिएट पुलिस को कॉल किया, बताया जैसे से। सुरेंद्र ने उमेश की घर वापसी के लिए कोशिशें की और इन्हीं कोशिशों में ऊना पुलिस ने भी इनका साथ दिया। गुमशुदा बच्चों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन स्माइल के जरिए उमेश के परिवार वालों से संपर्क साधा गया। पुलिस और उनके संयुक्त प्रयासों द्वारा उसके हमने एड्रेस पता किया गया और वहां संपर्क किया गया। और जो वो बालक था वो 4-5 साल से अपने पेरेंट्स से दूर था, उसको उनके जो है पेरेंट्स के सपोर्ट किया गया। बेटे के गम में परिवार टूट रहा था, लेकिन ऊना से आई इस अच्छी खबर ने परिवार को कभी न मिलने वाली खुशी लौटा दी। तमाम जदोजहद के बाद उमेश के भाई के साथ मुंबई में संपर्क हुआ और वहीं से उमेश की घर वापसी की कहानी शुरू हुई। मैं जितना भगवान से प्यार करता हूँ, सोच रहा हूँ कि यही हमारे भगवान है। उमेश उन लाखों करोड़ों लोगों में से एक है जिसे अपने बिछड़े परिवार से मिलने की खुशी मिली है। डिप्रेशन में घर छोड़कर जाने वाले युवाओं की कहानियाँ अक्सर दिल को कौंध देती हैं, लेकिन इस कहानी ने उस उम्मीद को और पक्का कर दिया कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। ये कहानी उन परिवारों के लिए भी एक संदेश है जिनके बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं, और इन हालातों में बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत अपने परिवार की ही होती है। ऊना से राकेश मलही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में होने वाले वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में कुल्लूवी नाटी की धूम देखने को मिलेगी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई कुल्लू नाटी को दिल्ली में 300 युवतियां पेश करेंगी। नाटी के लिए बकायदा रिहर्सल भी शुरू हो चुकी है। विश्व संस्कृति महोत्सव नई दिल्ली में 11 से 13 मार्च तक मनाया जाएगा। इस महोत्सव में 154 देशों के 35 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। चले बात मौसम की करते हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मौसम शिमला पर मेहरबान हो ही गया है। शिमला में ताजा बर्फबारी हुई है जिससे सैलानियों और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। देर से ही सही, आखिरकार हिमाचल में बर्फबारी शुरू हो गई। प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज के साथ शिमला में बर्फ पड़ी, इसका लुत्फ यहाँ पहुँचे सैलानियों ने जमकर उठाया।
बहुत ही अच्छा लग रहा है, मजा आ गया जी, चंगा। बिल्कुल भी मूड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लेकिन पड़ गई एकदम से और बहुत अच्छा लग रहा है, और हम फन कर नहीं आए थे। सैलानियों के साथ साथ बर्फबारी ने पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे पर भी रौनक लौटा दी है। जो है वो काफी उत्साहित है और काफी जोश में है इस बर्फबारी को लेकर के, और यही जोश जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो बागवान और किसान हैं उनमें भी होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार इंतजार कर रहे थे किसान और बागवान अपनी फसलों के लिए इस बर्फबारी का, तो कहीं ना कहीं अब दोनों को ही राहत मिलती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया शिमला। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे तापमान में गिरावट रहेगी। राज्य मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम साफ ही रहेगा। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के जो मिड हिल और हाई हिल है इसमें बादल छाए हुए हैं और कुछ एक इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हुई है। शिमला में भी जो लाइट स्नोफॉल हुआ है जिसकी वजह से जो तापमान इसमें गिरावट आई है। हाँ, ये जो WD है ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, इसका जो इफेक्ट है आज का दिन ही रहेगा, कल से दोबारा से जो मौसम है वो क्लियर हो जाएगा। अगले एक हफ्ते के लिए जो मौसम है वो लगभग साफ रहने की ही संभावना है। वो अभी जैसे ये थोड़ी सी बर्फबारी जहाँ स्नोफॉल हुई है इससे जो अगले 24 घंटों तक जहाँ कह सकते हैं अगले एक दो दिन जो तापमान है उसमें गिरावट रहेगी। तो आज शिमला में किस तरह का मौसम है, ज्यादा जानकारी के लिए मोहित प्रेम शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मौसम किस तरह का है मोहित वहां पर आज और आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है? मोनिका, अगर मैं पिछले कुछ दिनों की 2 या 3 दिन की बात करूं तो उसमें आज जो मौसम है थोड़ी इसमें ठंडक जरूर है, हालांकि सूर्यदेव के दर्शन थोड़े देर से हुए जरूर, लेकिन तापमान जो है उसमें थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, करीब 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जो कल बर्फबारी हुई है वो हालांकि उतनी ज्यादा नहीं टिक पाई है, लेकिन कहीं कहीं बर्फ जरूर दिख रही है। एक बार मैं जो है अपने कैमरामैन से कहूंगा कि कैमरे के जरिए ये दिखाने की कोशिश करे दर्शकों को कि कहाँ कहाँ कैसी जो बर्फबारी हुई है वो शिमला में कई छतों पर जो है वो दिख रही है। ये सफेद छतें नहीं है बल्कि बर्फ की एक चादर है जो कि छत पर है, और ऐसे ही नजारा जो है वो आम रहता है जब बर्फबारी होती है। और ये ही बर्फबारी जो है इसका इंतजार जो था सैलानियों का था जिसका बिल्कुल, तो लंबे वक्त से जो इंतजार था वो आखिरकार कल खत्म हो गया। बर्फबारी वहां पर हुई है और तापमान में भी गिरावट वहां पर दर्ज की गई है। मोहित, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।